हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एन सबसे पहले हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल और फिजिकल रिएक्शन जो मास है ना तो वो बना सकते हो ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो केमिकल या फिजिकल रिएक्शन में बट ये कन्वर्ट हो सकता है वन फॉर्म टू अनदर अगर एक रिएक्शन है इफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट कंप्लीटली रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है तो मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट सपोज हमारे पास रिएक्शन है मर्क्यूरी ऑक्साइड आपने 100 ग्राम लिया आपने हीट किया तो आपको मिलेगा मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन जब आप वेट देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में 100 ग्राम्स है और राइट हैंड साइड में जब आप टोटल करोगे ये भी आएगा 100 ग्राम तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और कॉन्स्टेंट कंपोजिशन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स

तो अगर हम रेशो देखें मास का तो ये आ जाएगा वन इज टू एट तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा वन इज टू एट सिमिलरली सी ओ टू में कार्बन का मास क्या होगा ट्वेल्व होगा ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू थर्टी टू तो कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशो सी ओ टू में क्या होगा हमेशा थ्री इज टू एट ये हमेशा हमारा कॉन्सटेंट रहेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड सपोज एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O टू ओ या H2O2 टू ओ टू बना सकता है अगर हम मास की बात करें यहाँ पे दो हाइड्रोजन है इसका मास टू दो हाइड्रोजन मास टू ऑक्सीजन का थर्टी हो जाएगा द मास ऑफ एन एलिमेंट क्या है सेम है इसका मास हमने फिक्स कर लिया तो ऑक्सीजन के मास का जब हम रेशो फाइंड करेंगे सिक्सटीन इसटी टू तो वन इसलिमेंट दैट कम्बाइंड विद्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर सिमिलरली कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करके सी या CO2 बनाता है कार्बन का मास 12 12 इसे फिक्स कर लेंगे ऑक्सीजन का मास 16 32 अगर हम ऑक्सीजन के मास का रेशियो फाइंड करेंगे तो ये हमेशा आएगा वन इज टू टू तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन नेक्स्ट हम बात करेंगे गे ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम वेन गैसेज कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन जब गैसेज कंबाइन करती हैं या प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन में दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम वो सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम में रहते हैं प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करके टू एच बनाता है अगर ये हमने हंड्रेड एम लिया था तो ये हंड्रेड एम लेंगे हमारा टू हंड्रेड एम एल ऑफ एच बनेगा तो अगर हम इनके वॉल्यूम का रेशियो लेंगे तो वन एस टू वन इज टू का रेशियो आएगा तो ये रेशियो है हमारा सिंपल रेशियो तो ये था गेलूस लॉ नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ एवोगैड्रोस लॉ क्या बताता है क्वल वॉल्यूम ऑफ गैसिड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिया सेम टेम्परेचर और प्रेशर में दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी एग्जाम्पल से देखते हैं जैसे हाइड्रोजन और क्लोरिन के जो इनका वॉल्यूम था वो था हंड्रेड एम एल हंड्रेड एम एल मतलब दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे सेम होंगे इसका टू हंड्रेड एम एल था तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एच एल के क्या होंगे ट्वाइस होंगे ठीक है अगर आपके पास वन लीटर ऑफ क्लोरीन है वन लीटर ऑफ हाइड्रोजन है तो इन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गए जब हम इन्हें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पर रखेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे अटोमिक मास की याद रखना एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास होता है ऑफ एन एटम इज ऑपटेन बाय कंपेयरिंग इट्स मास रिलेटिव मास मतलब क्या होता है हम एटम के मास को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं किसके साथ कंपेयर करेंगे यहां पे हम

अगर कार्बन में बात करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ट्वेल्व होते हैं है और किसी भी एटम का मास बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है ठीक है अगर हम इसको डिवाइड कर दे 12 से ठीक है अगर 12 से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ वन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इससे हमने बनाया वन ए तो वन ए एम यू होता है हमारा वन एटॉमिक मास यूनिट तो हम इसको क्या करेंगे बाकी एटम के साथ कंपेयर करके उनका एटॉमिक मास बताएंगे जब बाद में हमने इसका कैलकुलेशन किया तो हमें मिला वन ए एम यू इज वन पॉइंट सिक्स सेवन टेन्स बाद माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम्स और अभी हमने क्या किया ए एम यू को यू से रिप्लेस कर दिया है तो ए एम यू की जगह आप यू भी लिख सकते हो और यू होता है हमारा यूनिफाइड मास नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक मास ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक मास याद रखना ताकि बाद में कैलकुलेशन आपकी इजी हो हाइड्रोजन का वन यू होता है हीलियम का फोर बोरॉन होता है टेन कार्बन ट्वेल्व नाइट्रोजन फोर्टीन ऑक्सीजन सिक्सटीन फ्लोरिन नाइनटीन सोडियम ट्वेंटी मैग्नीशियम मैगनीशियम ट्वेंटी फोर एलमिनियम ट्वेंटी सेवन सिलीकॉन ट्वेंटी एट फॉसफोरस थर्टी वन सल्फर थर्टी टू क्लोरिन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव पोटेशियम थर्टी नाइन कैल्शियम फोटी तो मिनिमम इन एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक मास याद रखना है नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की अगर आप टेबल देखो उसमें हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास दिया होता है और वो जो एटॉमिक एटॉमिक मास होता होता है वो होता है वो एवरेज मास इसमें क्या होता है क्योंकि एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं तो उन आइसोटोप्स के मास को भी हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास बनता है सो व्हेन आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव एबंडेंस रिलेटिव एबंडेंस मींस परसेंटेज अकरेंस वो कितना प्रेजेंट है नेचर में आर टेकन इन अकाउंट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड ठीक है तो हम आइसोटोप उनके रिलेटिव एबंडेंस से हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं एग्जाम्पल है कार्बन के तीन आइसोटोप है कार्बन 12, 13, 14 इनका मास हो जाएगा 12, 13, 14 यू अब रिलेटिव एबंधेंस मतलब कितना परसेंट प्रेजेंट है कार्बन में सपोज अर्थ पे कार्बन 100% परसेंट है तो 100% परसेंट में 98.892% परसेंट कार्बन 12 होगा 1.108% परसेंट कार्बन 13 एंड 2 इन 10 टेन्स माइनस टेन परसेंट कार्बन 14 प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 और इसके रिलेटिव अबंडेंस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ट्वेल्व इंटू नाइनटी एट बाई हंड्रेड एड करेंगे थर्टीन परसेंटेज ऑफ दिस वन पॉइंट वन बाई हंड्रेड एड करेंगे तो तो इनको हमने क्या कर दिया? Multiply करके add कर दिया? करके लिया तो हमारा final answer आएगा अगर आप देखोगे जो है है वो 12 के इसलिए आ रहा क्योंकि कार्बन ज्यादा बंडस में प्रेजेंट था तो that's why हमारा आंसर आया ट्वेल्व पॉइंट अटोमिक मास ऑफ कार्बन नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलिकुलर मास की इट इज द सम ऑफ ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे क्या हो सकते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं तो उनके एटॉमिक मास का हम क्या करेंगे सम कर देंगे तो हमें मोलिकुलर मास मिल जाएगा कुछ एग्जाम्पल है जैसे मिथेन सी होता है कार्बन का मास ट्वेल्व होता है हाइड्रोजन का वन होता है चार हाइड्रोजन है इन टू तो ओवरऑल इसका मास हो जाएगा सिक्सटीन वाटर क्या क्या होता है हाइड्रोजन का मास वन दो हाइड्रोजन है इंटू टू प्लस ऑक्सीजन का मास 16 तो एटीन यू सी सिक्स एच हमारा ग्लूकोज होता है सिक्स इंटू ट्वेल्व कार्बन का मास ट्वेल्व हाइड्रोजन का होता है वन इंटू ट्वेल्व प्लस सिक्स इंटू सिक्सटीन वन एटी यू कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा हमारा कैल्शियम का फोर्टी कार्बन का ट्वेल्व इसका सिक्सटीन इंटू थ्री ओवरऑल हंड्रेड यू नाइट्रिक एसिड होता है एच एन ओ थ्री हाइड्रोजन का वन होगा नाइट्रोजन का फोर्टीन ऑक्सीजन का सिक्सटीन इंटू थ्री टोटल सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4. हाइड्रोजन का सल्फर थर्टी टू प्लस इंटू फोर ओवरऑल होता है जो आप शुगर खाते हो कार्बन का ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी इंटू इलेवन ओवरऑल इसका मास आ जाएगा मॉलिकुलर मास थ्री फोर्टी टू यू नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मुला मास की आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं जो फॉर्मुला ऑफ कंपाउंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स मॉलिक्यूल इसका मतलब जैसे आपके पास एनए सी एल है एन ए सी ठीक है NaCl, ये डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स मॉलिक्यूल एक्चुअल में मॉलिकल का कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है. जो NaCl है ना वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है एन ए प्लस सी एल नेगेटिव अगर हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम आइंस काउंट करेंगे Na की Cl की तो इनका रेशियो वन इज वन रेशियो में आता है रेशियो ऑफ डिफरेंट सी इन टू कंपाउंड तो, तो के को हम क्या बोलते हैं? एम यूनिट तो एल कंपाउंड में हम formula unit लिखते हैं। अगर MgCl2 होता, तो MgCl2 में क्या होता मैग्नीशियम और क्लोरीन का रेशियो होता वन इज टू टू तो दैट्स वाई इट इज एम ठीक है तो ये फॉर्मूला यूनिट हो गया तो फॉर्मुला मास हम कैसे ऑबटेन कर सकते हैं बाय एडिंग एटोमिक मास ऑफ ऑल इन फॉर्मुलाउंडला जैसे मोलिकुलर मास बता सकते हैं फॉर्मुलाइंट फाइव टोटल फिफ्टी एट पॉइंट फाइव और ये हम यूज करते हैं आइनिक कंपाउंड में नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की सबसे पहले मोल क्या होता है वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज देयर आर एटम्स इन ग्राम ग्राम ऑफ ऑफ कार्बन कार्बन आइसोटोप आइसोटोप हम carbon, से कंपेयर करेंगे जितना उसमें एटम्स प्रेजेंट है उतने अगर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स या एंटिटी प्रेजेंट है तो उसे हम वन मोल कहते हैं मोल कंसेप्ट इसलिए यूज होता है आपको किसी भी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हो अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप उससे मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हो तो ये इंटरकनवर्जन में हेल्प करता है सबसे पहले मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एंड से और इसके बारे में हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर तो वन मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का वन मोल होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन्स पर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के और ये जो होता है नंबर इसे हम अवेगेटो नंबर भी कहते हैं तो जो भी अगर आप मोल जिसके साथ लिखोगे तो ये उसके साथ इतने सारे नंबर्स क्या होते हैं जुड़ जाते हैं जैसे हम यूज करते हैं सेंचुरी हंड्रेड डजन क्या होता है ट्वेल्व होता है वैसे हमारा क्या होता है मोल एक नंबर होता है अगर आपको दिया हुआ है वन मोल ऑफ सोडियम सोडियम एटम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब कितना सोडियम प्रेजेंट है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेंस पार ट्वेंटी थ्री आइटम्स ऑफ सोडियम वन मोल ऑफ वाटर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेंस पार्ट ट्वेंटी थ्री मॉक्यूल्स ऑफ वाटर एम जी टू प्लस आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेंस पर ट्वेंटी थ्री आइन्स ऑफ मैग्नीशियम टू प्लस इज प्रेजेंट फॉर्मुला हो जाता है मोल इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल जितने पार्टिकल गिवन है डिवाइडेड बाय एवोगैडोज नंबर एन ए और एन ए होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू पार ट्वेंटी थ्री एग्जाम्पल की बात करते हैं हमें दिया हुआ हीलियम सिक्स पॉइंट जीरो टू टू पार ट्वेंटी सिक्स आइटम्स दिए हुए हैं तो हम फॉर्मुला यूज करेंगे नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय एवोग नंबर विच इसट जीरो टू टू ट्रांस पार ट्वेंटी थ्री कैंसिल हो जाएगा हमारा आ जाएगा थाउजेंड मोल्स

तो वो मास हो जाता है वन मोल ऑफ पार्टिकल का इसे हम मोलर मास भी कहते हैं जैसे सोडियम की बात करते हैं कितना है है तो जगह है, था एक एटम और अब हम बात करें सिक्स पॉइंट जीरो सोडियम का मास होगा ट्वेंटी थ्री ग्राम सिमिलरली वन मॉलिक्यूल ऑफ सीओ टू का मास होता है आपको यू की जगह ग्राम लिखना है एंड वन मोल ऑफ वाटर का वेट हो जाएगा एटीन ग्राम तो, हम फाइंड करेंगे मोल्स गिवन मास अगर हमें क्वेश्चन दिया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स हमें वेट दिया हुआ गिवन मास दिया हुआ थर्टीन पॉइंट टू ग्राम सी ओ टू थर्टीन पॉइंट टू मोलर मास सीओ टू का कितना होता है अभी हमने फाइंड किया था फोर्टी फोर होता है तो हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री मोल्स 1.6 kg of SO2 इसे ग्रास में कन्वर्ट करेंगे 1600 गिवन मास मोलर मास कितना होता है सल्फर का मास क्या होता है 32 ऑक्सीजन का 16 2 ओवरऑल 64 यह हो जाएगा 25 मोल्स सपोज हमें गिवन मास हमें मास फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे n मोलर मास मतलब 4 NH3 का मास होता है 1768 g 0.25 मोल्स ऑफ हीलियम तो हीलियम का मास होता है फोर मोलर मास इंटू जीरो करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स के इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डेसीमी फोर जीरो जीरो एम एल और टू टू फोर जीरो जीरो ठीक है तो एन हो जाता है हमारा नंबर ऑफ गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स सपोज कोई भी गैस दिया हुआ है ऑक्सीजन दिया है 11.2 लीटर्स, तो इसका गिवन वॉल्यूम है 11.2 डिवाइड बाय 22.4 ये हो जाएगा 0.5 मोल्स सिमिलरली आपको दिया 44.8 लीटर्स ऑफ Cl2 तो हो जाएगा 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 ये हो जाएगा 2 मोल्स नेक्स्ट हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की हमें दिया 4.8 ग्रामस ऑफ ओजोन दिया O3 हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स सबसे पहले हम जो मास है इसे नंबर ऑफ मोल्स में एन इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास है 4.8 ओजोन में तीन ऑक्सीजन होते हैं एक ऑक्सीजन का 16 होता है तीन का हो जाएगा 48. So 48 mole, है? अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं एक मोल में कितने थ्री जीरो पॉइंट वन मोल ऑफ ओजोन में कितने हो जाएंगे जीरो पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करेंगे 22 अब हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने है. हमें पता है एक मॉलिक्यूल में तीन एटम्स हैं ऑक्सीजन के ठीक है तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे तो थ्री से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे परसेंटेज की मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का आपको मास परसेंट बताना है वो किसके इक्वल होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है

सिमिलरली मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हमारे सिक्स है, सिक्स इंटू वन तो सिक्स हो जाएंगे डिवाइड बाई फोर्टी सिक्स इंटू हंड्रेड थर्टीन पॉइंट जीरो फोर परसेंट मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारा सिक्सटीन डिवाइड बाई फोर्टी सिक्स इंटू हंड्रेड थर्टी फोर पॉइंट सेवन एट परसेंट तो ये सारे एलिमेंट्स का क्या हो गया मास परसेंट और अगर आप टोटल मास परसेंट करोगे तो ये हमेशा हंड्रेड आएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला की मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है इट रिप्रेजेंट एक्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड ये हम बताता है कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा सी सिक्स एच टिक्स मेरा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड तो ये सिंपलेस्ट रेशियो बताता है अगर हम यहां पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखें इनका रेशो कितना है सिक्स इज टू ट्वेल्व इस टू टू और वन इज टू टू इज टू वन तो हम इसकी सिंपलेस्ट रेशो में जब हम इसे लिखेंगे ये हो जाएगा सी एच टू ओ तो ये हो जाता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे हमें दिया एक कंपाउंड कंटेन फोर पॉइंट जीरो सेवन परसेंट हाइड्रोजन ट्वेंटी फोर पॉइंट टू सेवन परसेंट कार्बन सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट क्लोरीन मोलर मास हमें दिया हुआ है नाइन्टी एट पॉइंट नाइन सिक्स ग्राम्स हमें इसका एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है सबसे पहले आप मास परसेंटेज लिख लोगे। हमें दिया हुआ हाइड्रोजन कार्बन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जो मास में लिख लेंगे हो ग्राम, ग्राम्स। ग्राम्स में लिख लिया अब हम इसे मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे मास बाय मोलर मास हाइड्रोजन का होता है वन तो ये फोर पॉइंट जीरो सेवन कार्बन का होता है ट्वेल्व तो हो जाएगा टू पॉइंट जीरो टू वन क्लोरीन हो जाएगा हमारा 35.5 तो 71.65 डिवाइड बाय 35.5 हो जाएगा 2.02 पॉइंट जीरो टू यह हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए नेक्स्ट क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे मोल्स को बाय द स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों मोल्स में स्मॉलेस्ट नंबर क्या तो है 2.02 पॉइंट स्मॉलेस्ट नंबर है तो तीनों को हम 2.02 से डिवाइड करेंगे ठीक है इसको करेंगे 4.07 पॉइंट जीरो सेवन डिवाइड बाई टू पॉइंट तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2 इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1 ये आ जाएगा हमारा 1 ठीक है अब हमारे पास ये जो नंबर आ गए ना जब हमने मोल्स को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया तो ये हमें इम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है कार्बन को हम पहले लिखेंगे फिर हाइड्रोजन एक कार्बन होगा दो हाइड्रोजन सी एच टू एक क्लोरिन सी एल हमें इम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया नेक्स्ट हम इम्पेरिकल फॉर्मूला मास बताएंगे सी एच टू सी एल का मास बताएंगे कार्बन का ट्वेल्व हाइड्रोजन का वन इंटू टू क्लोरिन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ओवरऑल हो जाएगा फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एन एन कैसे फाइंड करेंगे मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मोलर मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 98.96 एट डिवाइड बाई फोर्टी तो हमारा आ जाएगा टू तो एन आ गया आपका और लास्ट में हम क्या निकाल सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे जो एन आया था इसे एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टू इन टू सी एच टू सी एल और फाइनल हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा सी टू एच फोर सी एल टू नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टाइशोमेट्री एंड स्टाइशोमेट्रिक कैलकुलेशन की स्टाइशोमेट्री क्या होता है इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मास समाइम्स वॉल्यूम हम मास या वॉल्यूम बता सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का इन ए केमिकल रिएक्शन सपोज आपको रिएक्टेंट का मास या वॉल्यूम पता है तो आप प्रोडक्ट का मास एंड वॉल्यूम बता सकते हो और अगर आपको प्रोडक्ट का मास एंड वॉल्यूम पता है तो आप रिएक्टेंट का मास एंड वॉल्यूम बता सकते हो तो इन्हीं कैलकुलेशन को हम बोलते हैं स्टाइशोमेट्री इसके लिए हमें क्या चाहिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल की हमें मिथेन दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न किया हमारा सी ओ टू एंड वाटर बनेगा इसे बैलेंस करेंगे तो टू ऑक्सीजन हो जाएगा टू ओ टू एंड टू एच टू ओ तो ये बैलेंस रिएक्शन है अब इसके नंबर क्या डिफाइन करते हैं ये एक मॉलिक्यूल है ये क्या है टू मॉलिक्यूल्स हैं ये वन मॉलिक्यूल है और ये कितना है टू मॉलिक्यूल तो ये वन टू वन टू जो नंबर्स हैं इसे हम स्टाइशोमेट्रिक कोफिशन भी कहते हैं अगर हम मोल्स की फॉर्म में लिखे ना तो सिमिलरली क्या होता है इनका ये जो रेशो है वो सेम रहता है मतलब ये जितने भी हमारे थे आपने से किया तो ये ये बन बन जाएगा जाएगा तो इनके मोल का रेशो भी क्या रहता है सेम तो ये वन मोल हो जाएगा टू मोल वन मोल टू मोल तो अगर आपके पास रिएक्टेंट दिया हुआ है कोई भी मोल तो आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो आप इसको मास की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो सी एच फोर का मास हो जाएगा सिक्सटीन ग्राम्स टू ऑक्सीजन का हो जाएगा 64 फोर ग्राम्स सीओ का 44 फोर ग्राम्स एंड वाटर का 36 सिक्स ग्राम्स तो आपको रिएक्टेंट का कुछ वेट दिया हो तो आप प्रोडक्ट बता सकते हो कोई भी प्रोडक्ट का वेट दिया तो आप रिएक्टेंट बता सकते हो इनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा नेक्स्ट हम इसे वॉल्यूम के फॉर्म में भी बता सकते हैं वन मोल है 22.4 टू पॉइंट फोर लीटर्स टू मोल्स हो जाएगा फोर्टी फोर पॉइंट एट लीटर्स वन मोल ट्वेंटी फोर्टी फोर पॉइंट एट लीटर्स तो अगर हमें किसी का भी क्या वॉल्यूम पता है तो हम प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का वॉल्यूम बता सकते हैं यूजिंग दीज कैलकुलन्स नेक्स्ट हम स्टेसोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ट्वेंटी टू ग्राम्स ऑफ सी ओ टू ठीक है मिथेन से हम कितना सी ओ टू बना सकते हैं सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे सी एच फोर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ टू रिजल्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू प्लस ट्वाइस ऑफ एच टू ओ हमें क्या दिया हुआ है सी ओ टू दिया ट्वेंटी टू ग्राम्स सबसे पहले इसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ओ टू होता है गिवन मास विच इज़ मोलर मास का आपको फाइंड करना है कार्बन का वेट होता है ऑक्सीजन का तो हमें जीरो पॉइंट फाइव दिया तो आप इसका रेशियो देखो तो जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ सी ओ टू से हमारा जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ सी एच फोर बनेगा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमें दिया हुआ है ट्वा टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू एच टू ओ हमें ट्वेंटी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है पूछा है कितने मोल्स ऑफ वाटर बनेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हाइड्रोजन के कितने हैं वेट दिया हुआ है ट्वेंटी ग्राम्स एच टू का वेट कितना होता है टू तो हो जाएंगे टेन मोल्स हाइड्रोजन टेन मोल्स हो गया हमें पता है टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से टू मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है तो अगर आप टेन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लोगे तो आपका टेन मोल्स ऑफ वाटर बनेगा

तो जो कम प्रेजेंट होता है ना द रिएक्टें विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट वो पहले खत्म हो जाता है इट गेट्स कंज्यूम आफ्टर सम टाइम और जैसे वो खत्म हो जाता है रिएक्शन क्या होती है स्टॉप हो जाती है द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म उसकी वजह से प्रोडक्ट क्या होता है लिमिटेड अमाउंट में बनता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और जो रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट था वो क्या होता है इट इज़ नॉट कंप्लीटली कंज्यूम वो पूरा यूज नहीं हो पाता है उसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की हमें दिया हुआ है फिफ्टी के ऑफ नाइट्रोजन टेन के ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस एनएच हमें अमोनिया बन रहा है हमें बताना कैलकुलेट द एनएच प्रोड्यूस मतलब मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे एन टू प्लस थ्राइस ऑफ एच टू रिजल्टॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ एन एच थ्री नाइट्रोजन दिया 50 के हाइड्रोजन दिया 10 के जी में कन्वर्ट करेंगे ये जाएगा फिफ्टी थाउजेंड ग्राम्स 10,000 टेन थाउजेंड ग्राम्स अब इसे हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे ठीक है फिफ्टी थाउजेंड टू का मास होता है ट्वेंटी एट डिवाइड बाई ट्वेंटी एट आ जाएगा वन सेवन एट फाइव और टेन थाउजेंड हाइड्रोजन का वेट कितना होता है एच टू का टू होता है टेन थाउजेंड डिवाइड बाई टू आ जाएगा फाइव थाउजेंड अगर आप दोनों की रेशियो देखो वन इस टू थ्री के रेशियो में है अगर नाइट्रोजन वन सेवन एट फाइव है तो अगर आप थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिफ्टी वन हंड्रेड कुछ आना चाहिए उससे कम वैल्यू है तो मतलब क्या हाइड्रोजन लिमिटिंग रेजेंट है अगर आपको नहीं समझ आता कि कैसे लिमिटिंग रेजेंट फाइंड करना है तो आप एक एक्स्ट्रा स्टेप भी कर सकते हो तो उसमें क्या करना है आपको जो नंबर ऑफ मोल्स है ना उसके से से डिवाइड डिवाइड कर देना। इसका था, तो से करके आ स्टाइसोमेटिकाइव इसका था 5, 000, इसको से डिवाइड करोगे तो आपका तो मतलब क्या? है, और नीचे वाला स्टेप सिर्फ हमें यह बताता है, कि क्या है अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे करेंगे विच इज 5000 मोल्स ठीक है अब हम इक्वेशन बनाएंगे जब थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो हमें टू मोल्स ऑफ अमोनिया मिलेगा मोल ऑफ ऑफ हाइड्रोजन के लिए मोल्स अमोनिया मिलेगा और हमें कितना दिया? नंबर ऑफ मोल्स मिल गया अमोनिया के हमें पता है एक अमोनिया का वेट कितना होता है मल्टीप्लाई तो करेंगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5, 6, 6, 6, 6, 6

ठीक है और अगर आप सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हो सो काई ए प्लस काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 44 फोर ग्राम्स ऑफ सी ओ टू एंड फोर्टी एट ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मिक्स है हमें मोल फ्रैक्शन सी ओ टू एंड ऑक्सीजन का पता ना है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल सीओ टू के फाइंड करेंगे फोर्टी फोर डिवाइड बाई फोर्टी फोर हो जाएगा वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास है फोर्टी एट ग्राम्स मास है थर्टी टू सिक्सटीन इंटू टू हो जाएगा वन पॉइंट फाइव मोल फ्रैक्शन ऑफ सी ओ टू क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सी ओ टू बाई टोटल टोटल हो जाएगा वन प्लस तो टू पॉइंट फाइव हो जाएगा ये हो जाएगा मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू वन पॉइंट फाइव टोटल मोल्स हो जाएगा टू पॉइंट फाइव ठीक है इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा टू बाई फाइव और ये आंसर आ जाएगा थ्री बाई फाइव नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलैरिटी की इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वन लीटर ऑफ सोलूशन तो एक लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना सोलूट प्रेजेंट है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सल्यूशन इन लीटर्स याद रखना मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना तो वॉल्यूम क्या होता है इंक्रीज होता है क्योंकि चीज़ें एक्सपेंड करती हैं वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो मोलैरिटी क्या होगी डिक्रीज होगी सिमिलरली टेम्परेचर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा मोलैरिटी इंक्रीज होगी क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कैलकुलेट करना NaOH, हमें है मोलैरिटी ऑफ एन हमें फोर ग्राम एनओ दिया हुआ है टू फिफ्टी ऑफ सोल्यूशन सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करेंगे हमें दिया फोर ग्राम एन का मोलर मास कितना होता है एन का होता है 23 थ्री ऑक्सीजन का 16 प्लस वन तो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई फोर्टी जीरो पॉइंट वन मोलरिटी हो जाएगी 0.1 पॉइंट वन

अब इंपॉर्टेंट चीज़ के दोनों सोल्यूशन में नंबर ऑफ सोल्यूड पार्टिकल्स तो सेम रहेंगे क्योंकि आपने सॉल्वेंट ऐड किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सेम होंगे हम फॉर्मुला यूज कर सकते हैं एम वन इजक्वल टू एन वी वन एम टू इज टू एन वी टू नंबर ऑफ और मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल दोनों में सेम होंगे इक्वेट कर लेंगे इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे एम वन इंट वी वन बिकम्स इक्वल टू एम टू इन वी टू ये रिलेशनशिप है सपोज हमें एक सोल्यूशन दिया उसका वॉल्यूम था टू फिफ्टी एम एल मोलैरिटी थी वन एम हमने इसमें क्या डाला सॉल्वेंट डाला वॉल्यूम हो गया था इसकी मोलैरिटी बतानी है एम वन इंट वी वन इज टू एम टू इंटू वी टू सो वन इंटू टू फिफ्टी इज इक्वल टू एम टू इंटू थाउजेंड और एम टू इजी डिवाइड बाई था तो जीरो पॉइंट टू फाइव मोलर सोल्यूशन इसका आंसर नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन सपोज हमारे पास दो सोल्यूशन है दोनों में सोल्यूट और की जो कंसेंट्रेशन है वो डिफरेंट है इसकी मोलारिटी एम है इसकी एम हो जाएगी वॉल्यूम वी वन ठीक है अब हमें अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेल्यूट तो वो किसके इक्वल हो जाएगा हमें पता है N इज इक्वल टू मोलेरिटी इन टू वॉल्यूम एम वन वी वन और इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेल्यूट हो जाएंगे M2 V2 तो जब दोनों को हम मिक्स कर लेंगे हमारा थर्ड सोल्यूशन बनेगा m3 उसकी मोलैरिटी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द सल्यूट पार्टिकल होगा एम वन इंटू वी वन प्लस एम टू इंटू वी टू डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम वी वन प्लस वी टू नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 750 फिफ्टी ऑफ 0.5 मोलर एच को मिक्स किया 250 फिफ्टी ऑफ 2 मोलर एच ठीक है तो एम थ्री हो जाएगा 0.5 पॉइंट फाइव इंटू सेवन फिफ्टी प्लस टू ये हो जाएगा थाउजेंड ऊपर आ जाएगा थ्री सेवेंटी फाइव प्लस फाइव हंड्रेड फाइनल आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव मोलर सोल्यूशन नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलैलिटी की मोलैलिटी हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ सोलवेंट ठीक है तो मोलैलिटी स्मॉल एम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट के जी इसमें हमने सॉल्वेंट का मास के जी लिया तो मास याद रखना टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है सो दैट्स वाई इट इज टेम्परेचर इनडिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे हमें डेंसिटी दिया हुआ है ऑफ थ्री मोलर सोल्यूशन ऑफ एन तो हमें मोलैरिटी दिया हुआ है डेंसिटी दिया है सोल्यूशन का 1.25 ग्राम्स पर एमएल हमें मोलैरिटी बताना है सोल्यूशन का सबसे पहले मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मोलैरिटी कितना दिया हुआ है थ्री एम दिया हुआ है थ्री कैपिटल एम दिया हुआ है सपोज हमने वॉल्यूम लिया सोल्यूशन का वन लीटर वॉल्यूम आपने वन कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे थ्री मोल्स ऑफ एन मास ऑफ एन फाइंड करेंगे थ्री मोल्स है तो थ्री इंटू मोलर मास एन का कितना होता है फिफ्टी एट पॉइंट फाइव तो ओवरऑल टोटल मास हो जाएगा एन का वन सेवेंटी फाइव पॉइंट वन फाइव ग्राम नेक्स्ट हमें डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है सॉल्यूशन का हमने वॉल्यूम पता किया था वन एम डेंसिटी कितनी दी हुई है वन पॉइंट टू फाइव ग्राम्स पर एम तो एम में लेंगे हम डेंसिटी वन पॉइंट टू फाइव मास वॉल्यूम हम एम में लेंगे वन लीटर था तो थाउजेंड एम तो मास हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सोल्यूशन टू फाइव जीरो ग्राम्स नंबर ऑफ मोल्स तो हमें मिल गए मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स तो मिल गए अभी हमें फाइंड करना था मास ऑफ द सॉल्वेंट मास ऑफ द सॉल्यूट मिल गया आपको यहां मास ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया तो मास ऑफ द सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ द सॉल्यूट ठीक है तो ये मिल गया 1074.5 ग्राम्स मोलैरिटी हो जाएगा स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी तो इसे थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा वन पॉइंट जीरो सेवन फोर फाइव के जी और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा मोलैलिटी टू पॉइंट सेवन नाइन स्मॉल एम आई होप आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री समझ आया हो सिमिलर टाइप ऑफ आप वीडियो आपको बाकी चैप्टर के भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय